गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया है। जिले में आए दिन बच्चों, महिलाओं और नव युवकों को तरह तरह के प्रलोभन देकर के जबरन मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, अपराध कारित करने में शामिल करना, अंग निकालना, नकली दवाइयों की तस्करी करने जैसे अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उस पर रोक लगाने और घटना को ना अंजाम देने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट नियुक्ति कर्मचारी का कार्य होगा लोगों को बचाना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, घटना से बाहर निकालना, पीड़ित को खाना पीना खिलाना, दवाएं देना, उचित सुविधा उपलब्ध कराना और परामर्श देना। इस यूनिट में एक पुलिस निरीक्षक, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, दो पुरुष सिपाही और दो महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान SP ने ये जानकारी साझा की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं और करीब 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को शामिल किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कि कानून है, कई कानून बने हुए हैं, उसको कड़ाई से उसका पालन कराएगी और जो बाल तस्करी या मानव तस्करी जो भी जिले में हो रहा है या उसकी संभावना है उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। और कई ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी प्रचलन है, उसमें कई सारी लड़कियाँ जो है बंगाल से या नेपाल से बुलाई जाती हैं, तो उनका भी हम लोग सत्यापन कराएंगे कि कहीं वो अपने इच्छा से आकर काम कर रही हैं या उनको किसी तरह से प्रलोभन देकर या बलपूर्वक उनको यहाँ बुलाकर लाया गया है। तो इसका भी सत्यापन करना जरूरी है कि क्योंकि ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि उनके साथ वायलेंस की शिकायतें पुलिस को आती हैं और कई बार उनके परिजन भी खोजते हुए आते हैं पुलिस के पास और कई बार उनको मुक्त भी कराया जाता है। तो जो ASTU का जो काम है ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी रहेगा और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको रेस्क्यू कराना भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी और उनका प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन पे भी हम लोग काम करेंगे। गोपालगंज से नमो नारायण मिश्रा की रिपोर्ट, IND 365।